नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आपके ब्लॉगर का कस्टम रोबोट टेक्स एंड साइट मैप जनरेट करते हैं और लगाते हैं। हाँ, सबसे पहले आप अपना ब्लॉग में साइनिंग कीजिएगा। तो जैसे आपको साइनिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन है ना, आप देख सकते हो। और तो उसके बाद आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। आप पता नहीं वो सेटिंग किया हो कि नहीं किया हो, अगर नहीं किया हो तो मुझे बता दो ना, मैं आपको एक बार बता दूंगा। इसमें तो नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप सर्च प्रेफरेंस में जाइए इसके लिए। तो उसके लिए आपको गूगल वेबमास्टर टूल में साइनिंग करना है। तो यहाँ पे आके देखिए, गूगल सर्च कंसोल एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया टैब में ये ओपन हो जाएगा। गूगल का वेबमास्टर लिंक पे देखिएगा यहाँ पे। तो आप पहली बार करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखेगा, पूरा क्लीन देखेगा, क्योंकि यह मैंने पहले से किया। तो यहाँ पे पहले मेरा एक लिंक यहाँ पे पड़ा है, आपको यहाँ पे पूरा एम्प्टी देखेगा। उसके बाद अभी आपका जो साइट मैप है वो टेक्स्ट आपको जनरेट करना है। टेक्स्ट जनरेट करने का दो तीन तरीका है। जो इजी तरीका जो है ये, मतलब इससे अच्छे तरीके से गूगल जो है स्क्रॉल करता है आपके पोस्ट को और साइट को इंडेक्स करता है, तो वही तरीका अपनाने वाला है। अदरवाइज और भी इजी तरीका है, तो मैं आपको शायद लास्ट में बता दूं। पहले इसको एक काम कीजिएगा, सर्च कंसोल में जाइएगा और ऐड ए प्रॉपर्टी पे आपका जो वेबसाइट है उसका लिंक को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड ए प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे अपना ऐड कर दीजिए। तो इसका ये डैशबोर्ड है, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही छोड़ते हैं और आपको अभी जाना है एक दूसरा एक साइट पे जिसका नाम है, वो मैं दिखाता हूँ, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐसे ही आप टाइप कीजिएगा, आएगा और एंटर मारिएगा तो ये वाला लिंक है। तो इसमें आके आपको सेम अपने ब्लॉग का यूआरएल ले लीजिएगा और इसमें इसका साइट मैप जनरेट कीजिएगा। सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और जनरेट साइट मैप। तो देखिए, इसका साइट मैप जो है आपका जनरेट हो गया। तो ये है पूरा इसका साइट मैप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी नहीं करना, कॉपी सिंपली आपका ये लाइन जो है सबसे नीचे साइट, आपके डोमेन नेम, उसके बाद डॉट इन, ये स्लैश रहेगा, स्लैश के बाद से ऐसा आपको कॉपी करना है। तो ये एटोम से लेकर 500 तक ये कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। तो अगेन आप यहाँ पे वापस आइएगा गूगल कंसोल के साइट में। यहाँ पे देखिए, ये जो साइट है पुराना है, पहले ऐसा था बट ये अभी बराबर काम नहीं कर रहे, इन लोग नया साइट डेवलप किया, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करें। इसमें यूज न्यूज सर्च कंसोल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो नया वाला इसका साइट है लेटेस्ट, उसमें रिडायरेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे अपना डोमेन भी देख सकते हो, आपका वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आके आपको क्लिक करके आपका साइट में अब यहीं पे अटैच करना है, मीन्स आपको यहाँ पे डालना है। तो ऑलरेडी आपका डोमेन यहाँ पे रहेगा और आपका जो साइट में आपने कॉपी किया वहाँ पे एटम से लेकर 500 तक, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसको सबमिट करना है। पहले क्या होता था, यहाँ पे टेस्ट फेस्ट कर सकते हो, तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, टेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। सो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे सबमिट में क्लिक कीजिए और आपका जो है साइट में आप देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ भी एरर रहेगा तो आपको यहाँ पे एरर देखेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पे किसी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ही सेकेंड में हो गया, आजकल बहुत जल्दी होने लगा है, पहले थोड़ा सा टाइम लेता था। ओके, तो यहाँ पे और एक काम है आपको पेंडिंग है जो आपको करना है इसके साथ साथ, नहीं तो ये काम जो है अधूरा रहेगा। तो वो है आपका यहाँ पे कस्टम रोबोट टेक्स। तो आपको ये कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए एडिट पे और ईएस पे क्लिक कीजिए और आपने जो यहाँ पे क्रिएट किया ना, ये पूरा ब्लॉगर से लेके यहाँ तक यूजर एजेंट और सर्च, ये है आपका कस्टम रोबोट टेक्स। तो सिंपली आप इसको क्लिक कीजिएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा पूरा यहाँ से यहीं तक और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लिक और यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और फिर ब्लॉगर में यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए, ये हो गया यहाँ पे आपका कस्टम रोबोट टेक्स। हम यहाँ पे अभी शेप कर देंगे तो ये जो है आपका कस्टम रोबोट टेक्स्ट जो है वो बन जाता है। तो ये था, बहुत सिंपल और इजी है। और अभी आपको मैं आपको बताता हूँ दूसरा एक तरीका जो है जिससे भी आप ये सेम काम को कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अगेन आपके ब्लॉग में जाना है, जाके यहाँ पे आपको स्लैश लगाना है और उसके बाद आपको टाइप करना है रोबोट डॉट टेक्स। देखिए ऐसा टाइप करना है। तो जैसे ही टाइप करेंगे तो सेम जो हमने वहाँ पे बनाया, आपने देखा होगा यूजर एज एन गूगल ऐसा डिसअलाउ, ये भी आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। कहाँ पे? जो हमने अभी यहाँ पे पेस्ट किया, जो हम दूसरा साइट से किया है, इस साइट से किया है, बट आप यहाँ पे गूगल
का खुद का इसमें भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं इस तरीके से किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और उसके अलावा आपको अपने साइट मैप में ये वाले लिया ना, यहाँ से एटॉम से लेकर 500 तक हमने यूजुअली अभी लेके पेस्ट किया, बट आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपली साइट मैप डॉट एग्जेमल इतना सा कॉपी करके आप अगर यहाँ पे जाके पेस्ट करते हो फिर यहाँ पे, तो वो भी हो जाएगा। तो दोनों बराबरी काम है, सेम काम है। आप कैसे भी करो आपका सबमिट होना चाहिए, बराबर से एरर नहीं आना चाहिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा आपको। और कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।